सीमा त्रिपाठी हक से हाउस वाइफ। तो कल का फेस्टिवल मन गया मेरा भी, आई होप आप लोग का भी बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मन गया होगा, सेलिब्रेट हो गया होगा। तो अब बैक टू बैक सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। अभी आएगा संकष्टी चतुर्थी का व्रत, ललही छठ का व्रत और हमारे कान्हा जी का बर्थडे। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ उन्हीं सब फेस्टिवल के लिए, शॉपिंग करने के लिए। तो अभी जाती हूँ शॉपिंग पे, आके आपसे मिलती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या ख़रीदा, ठीक है? तो थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। गाइस आज तो पोपट हो गया, मैं रेडी होके गई मार्केट और इतना ध्यान ही नहीं था कि आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को यहाँ पर सब बंद रहता है, मतलब आसपास के जितने भी मार्केट हैं वो सब बंद रहते हैं। तो आज मेरा हो गया पोपट। अब कल हस्बैंड के पास टाइम नहीं रहेगा, उनको सुबह सुबह वो जाएंगे, अब देखिए कितने बजे तक आते हैं। और परसों शायद व्रत है चौथ का, पता नहीं, अभी पूछ ही नहीं हूँ मैं पंडित जी से। अब देखिए कब मैं जाती हूँ। तो अभी बना लेती हूँ चाय शाम की और गोभी लेके आई हूँ, तो शायद मैं गोभी बनाऊँ या फिर लौकी बनाऊँ डिनर में, क्योंकि कल बहुत सब स्पाइसी खाना खा लिए थे। तो मेरे ख्याल से अम्मा मेरी लौकी ही खाएंगी, अम्मा पापा दोनों लोग, तो बच्चे तो हैं नहीं, जो अम्मा पापा खाते हैं वही हम लोग भी खा लेते हैं, ठीक है? तो चलिए अभी कर लेते हैं। आज तो मैं नहीं करूँगी दिया बत्ती, आज मंगलवार है तो पति देव करेंगे सुंदरकांड, तो वो कर देंगे घर के मंदिर में आरती वगैरह। तो अभी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना रील शूट कर लूँगी, ठीक है? आप ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी सो गाइज, अभी बना ली है चाय और इसके साथ मैं खा रही हूँ क्या, ये भुना हुआ चना, शाम की छोटी मोटी भूख के लिए हेल्दी है और टेस्टी भी। लेकिन ना चटपटा नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई हूँ ड्रेस वगैरह चेंज करके किचन में रात का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी सिंपल सी लौकी की सब्जी और रोटी, क्योंकि फेस्टिवल के दूसरे दिन मेरे घर में सबको एकदम लाइट खाना चाहिए होता है। तो इसीलिए अभी लौकी की सब्जी रोटी बनाऊँगी, थोड़ी सी सब्जी कल की बची हुई है तो उसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे अपने डिनर में। तो यहाँ पे अभी कल हो गया हम लोग का, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया रक्षाबंधन का त्यौहार, भाई बहन के प्यार का त्यौहार। और भाई बहन का जो प्यार होता है ना वो ऐसा ही होता है, एकदम सेल्फलेस अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं। तो भाई जो होता है ना वो हमेशा अपनी बहन के लिए हर सिचुएशन में उसका साथ देता है, उसके साथ खड़ा रहता है। और बहनें भी अपने भाई के लिए हर सिचुएशन में उसके साथ रहती हैं, उसके लिए हमेशा भगवान से अच्छी दुआ मांगती हैं, प्रार्थना करती हैं। तो ऐसा होता है भाई बहन का प्यार। लेकिन बचपन का प्यार और जब हम बड़े हो जाते हैं वो प्यार में थोड़ा अंतर आ जाता है। बचपन में हम लोग भाई बहन लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर एक दूसरे के साथ उतना ही प्यार करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है, तो हमें कुछ भाई बहनों में थोड़ा सा उनके प्यार में खटास आ जाती है। और उस यहाँ पे मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मेरे भाई बहनों में तो बहुत ज़्यादा प्यार है, भगवान की दया बनी रहे ऐसे ही प्यार बना रहे। लेकिन कुछ भाई बहनों के रिश्तों में थोड़ा सा खटास आ जाता है और उसका कारण दोनों ही होते हैं, भाई और बहन दोनों ही, मोस्टली बहनें होती हैं। बहनों का क्या होता है कि कुछ बहनें जब भाभी आ जाती हैं ना तो अब उनका रोल चेंज हो गया, अब वो सिर्फ बेटी नहीं रह गई, अब वो ननद भी बन गई हैं। तो जब आती हैं अपने मायके तो दिन भर अपनी भाभी पे हुक्म चलाना, उनको किसी भी काम में हेल्प नहीं करना, बस बैठ के ये बना दो वो कर दो ऐसा कर दो वैसा कर दो, मतलब भाभी को मतलब कुछ भी नहीं समझती। और सब कुछ कराने के बाद अपने माँ से दिन भर भाभी की चुगली करना या उसकी शिकायत लगाना, फिर भाई को भी मतलब अब कितना भी है भाई की बीवी है वो आपकी भाभी, वो अपनी पत्नी के तो फेवर में रहेगा ना। आप भी अपने ससुराल में अपने पति से उतना ही प्यार उतना ही सपोर्ट चाहती हैं, है ना?
तो जब आप मायके आएंगी और आप अपने भाभी के दिन भर पीछे पड़ी रहेंगी, तो वो भी तो अपने पति से कुछ ना कुछ तो आपके बारे में बताएगी कि दीदी ऐसा करती हैं वैसा करती हैं, तो आपके भाई के मन में कितना प्रेम रहेगा आपके लिए, उस प्रेम में थोड़े बहुत चेंजेस तो आएंगे ही। तो इसलिए ज़्यादातर लड़कियां ही जिम्मेदार होती हैं भाई बहनों के प्रेम में खटास आना। ऐसे बहुत कम भाई होंगे जो मतलब कुछ भी हो जाए आपको उतना प्यार तो वो मन से करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार में आपके लिए थोड़ा बहुत अंतर आएगा। तो जब भी आप मायके आइए तो अपने भाभी को उतना ही प्यार करिए जितने अपने माँ बाप अपने भाई से आप कर रहे हैं। भाई के पीछे ही भाभी भी आई हैं और माँ बाप के बाद उन्हीं से आपको रिश्ता निभाना है, ठीक है? तो आपको हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, अपने भाभी के साथ भी एक अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहिए। और जब भाई की शादी हो जाएगी, उसके पत्नी बच्चे हो जाएंगे, तो थोड़ा सा तो प्यार उसका बटेगा ही। थोड़ा क्या मतलब, हर इंसान अपने अपने पत्नी अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करता है, तो उसको आप ध्यान में रख के तब आप वैसा बिहेव करिए, ठीक है? तो अभी यहाँ आ गई हूँ मैं, यहाँ पे अपने बेडरूम में ऊपर सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है और लेके आई हूँ साड़ी रखने के लिए जो कल भैया लेके आए थे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी अलमारी ना बेडरूम में ही है, ऊपर वाले बेडरूम में मेरे। तो अभी लेके आई हूँ इसे रखने के लिए। बहुत सुंदर साड़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ, येलो कलर की है, ठीक है? अभी दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, ये साड़ी लाए मेरे भैया और मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। ये देखिए, ये इसका आंचल है और ये पूरे में ऐसे वर्क है ना। सुंदर साड़ी, मुझे बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। सो फ्रेंड्स, अभी बहुत रात हो गई है, आपको मैंने अपनी साड़ी दिखा दी, अब आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो अभी आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे सुबह उठना भी है जल्दी, तो आप सभी को गुड नाइट, बाय।